ये तो दुख होता है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, जिसका कोई लिंक नहीं है प्रधानमंत्री जो बातें बोले हैं मैनिफेस्टो को लेकर के, 25 गांठों को लेकर के, उनकी व्याख्या खुद नहीं कर दी है, व्याख्या कर दी अलग से, और व्याख्या इस प्रकार की जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की, जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़े देश भर के अंदर, ये क्या तरीका है। अगर शुद्ध का कहा है या क्या कहा है मैं उनमें नहीं जाना चाहता, हमें चुनाव लड़ना विकास पर जी। हमें चुनाव लड़ना है जो देश में इश्यू है, इश्यू क्या है, बेरोजगारी का है, इश्यू क्या है, महंगाई का है, इश्यू क्या है, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधरे उनके हित में, इश्यू मतलब मेन वो है देखो, और उसको खींच करके जानबूझ के ले जा रहे हैं, मंगल सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, मैनिफेस्टो से क्या संबंध है, 0.1% भी उसमें ध्वनि नहीं निकलती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे किसी को यकीन नहीं था, पहली बार जब वो बोले हैं अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठे करेंगे, मंगल सूत्र इकट्ठे करेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है, लोगों को विश्वास कम हुआ कि जो कहते हो नहीं सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं। पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर जिस व्याख्या की गई है मंगल सूत्र की भी और ये बांटने वाली बातें, इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं, लोग समझ गए हैं इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या, और फिर जो वो बोलते हैं तो नीचे वाले वही बोलते हैं, तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। आप देखेंगे कि पहले चरण में हमारे परिणाम अच्छे आए हैं, आज भी परिणाम जो आएगा आज वाले शाम तक देखेंगे आप, माहौल हमारे पक्ष में होगा, ये स्थिति पूरे राष्ट्र में नहीं है पूरे देश के अंदर है। मैं लोगों को वार्न भी करना चाहूँगा, मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, ये अपनी जगह है, वो तुम्हारा फल बनता हमारी संस्कृति संस्कार है, तो ये चुनाव जो है वो इतना खतरनाक मोड़ पे चल रहा है कि दो दो मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं, कांग्रेस के खाते बंद करे बैंक अकाउंट के, संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है हमारे बारे में, अमेरिका जर्मनी बोल रहा है कि क्या तमाशा हो रहा है देश के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ का बोलना बहुत महत्व रखता है। अब जब वो सब बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड का घोटाला है, तो जो वित्त मंत्री सीतारामन जी के हस्बैंड बोल रहे हैं इकोनॉमिस्ट है, वो कह रहे हैं कि ये घोटाला देश का नहीं दुनिया का है, तो इस माहौल में चुनाव हो रहे हैं, दो दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हो, मोदी जी या एनडीए गवर्नमेंट लगता है कि नहीं चलेगा 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 नहीं चलेगा वो भूल गए। अब आप देखोगे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कभी नारा नहीं लगाएंगे अगली बार 300-400 बार नारा लगाना बंद कर देंगे, पहले फेज के बाद में नारा बंद हो चुका है, अब उनकी हवाएं उड़ रही है, समझ गए हैं कि ये नारा चलने वाला नहीं हमारा। मुझे लगता है 2 डिजिट में इस बार परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, कोई मुद्दा नहीं भाई, आप समझने की कोशिश करो जी। मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ, इतने में कहना चाहता हूँ राजस्थान में चाहे किसी पार्टी सरकार हो जी। कभी भी एमएलएज के एमपी के टेलीफोन टैप नहीं होते, बस एक लाइन समझ जाइए, राजस्थान में जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ किसी भी एमएलए एमपी के कभी भी टेलीफोन टैप नहीं हुए होंगे ना होते हैं, मेरे को लगता है बीजेपी भी नहीं कहती होगी, क्योंकि अधिकारी भी तो कानून से चलते हैं, और कभी कानून ये नहीं कहता कि आप जनप्रतिनिधियों के चुनाव उनके टेलीफोन टैप करो, हमारे वक्त में किसी भी एमएलए का एमपी का फोन टैप नहीं हुआ है। हमारे जो मैं कुछ नहीं कमेंट करना, जिसने कहा है मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना, इतना ही कहूंगा, हमारे वक्त में ना कोई षड्यंत्र हुए हैं, ना टेलीफोन टैप हुए हैं और ना टैप हो सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।